हे गाइस, लेट्स एक्सप्लोर विद संसित की और एक फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावरिंग गार्डन जो कि दुबई में प्रेजेंट है, जिसका नाम है द मिराकल गार्डन। गाइस, मिराकल गार्डन के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना देर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप सब तो नॉर्मल पार्क या फिर गार्डन देखे होंगे जहाँ पे कुछ चंद वैरायटी का फ्लावर और कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स देखने को मिलता है। दुबई मिराकल गार्डन एक ऐसा गार्डन है जहाँ पे करीब 50 मिलियन डिफरेंट वैरायटीज का फ्लावर और करीब 250 मिलियन का डेकोरेटिव प्लांट्स देखने को मिलता है। और इस गार्डन का एक खास बात यह भी है कि हर साल इस गार्डन का डिजाइन को अपडेट भी किया जाता है। ये गार्डन दुबई लैंड डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इसका एरिया वाइज अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा 7,80,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। गाइस, ये गार्डन 14 फरवरी 2013 को इनागुरेट किया गया था। और अगर आप कभी भी दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को देखना मत भूलिए गाइस। ये एक सीजनल पार्क है गाइस। अगर इस गार्डन का एंट्री हर साल अक्टूबर से अप्रैल महीने तक होता है और मई से सितंबर तक इस गार्डन बंद होता है, क्योंकि भारी गर्मी के सीज़न में फ्लावर्स वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो आप विंटर सीजन में यहाँ दिसंबर से लेके जनवरी तक या फिर फरवरी तक इसका असली मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम में आप सभी 50 मिलियन डिफरेंट वैरायटी फ्लावर्स को आप देख सकते हैं, इसका मज़ा भी ले सकते हैं। इस गार्डन दूसरे गार्डन से काफ़ी यूनिक है इसके डिज़ाइन से लेकर। इस गार्डन के अंदर आप बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो एंट्री में आपको एक एयरबस 380 वाला फ्लावर से बनाया गया एक एरोप्लेन देखने को मिलेगा, मिकी माउस का भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और बहुत सारे दुबई का इंपॉर्टेंट फ्लावर्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को भी देखने को मिलेगा। और ये गार्डन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है इसके डिज़ाइंस और इसके यूनिकनेस को लेके। अगर आप इस गार्डन को अंदर जाएंगे तो आप सच में एक पैराडाइज वाला फील लेंगे, क्योंकि इस गार्डन में ब्रीथ टेकिंग व्यूज, डेकोरेशंस और नेचुरल फ्रेग्रेंस से एक हेवनली माहौल बना देता है। अगर इसकी एंट्री फी की बात करें तो एक पर्सन के लिए करीब 750 इंडियन रुपीस है गाइस, और इस ये अमाउंट भी काफ़ी ठीक ठाक है इतना बड़ा गार्डन को देखने के लिए। तो गाइस, इस गार्डन में बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जो कि इस गार्डन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक द फ्लोरल क्लॉक, पिकक बटरफ्लाई पार्क, एरोमेटिक गार्डन, जहाँ पे डिफरेंट नेचुरल फ्लावर का रियल फ्रेग्रेंस का मज़ा आप लुक उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक सेपरेट मेडिसिनल प्लांट का भी एक अलग सा सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेडिकल प्लांट देखने को मिलता है। इस वीडियो देखकर ही आपको इमेजिन कर सकते होंगे कि ये जगह असली में कैसा दिख रहा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस जगह में बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज भी शूट किए हुए हैं, जहाँ पे मेरे जानने के हिसाब से हमारी अधूरी कहानी इमन हाशमी और विद्या बलम स्टारिंग एक मूवी था, जहाँ पे एक फ्लोरल वाला डिज़ाइन था, एक गार्डन वाला डिज़ाइन था, जो कि इस गार्डन में ही वो शूट किया गया था। यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर खुद अपने हाथों में फ्रूट और वेजेस सिलेक्ट करके अपने मनपसंद सलाद बनाने का भी एक ऑप्शन है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ साथ कई सारे एक्सप्लोरिंग वीडियो भी लाते रहते हैं। तो किस टाइप की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं और एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।